यस सेवंथ है, एम आई ऑडिबल? वेव योर हैंड्स। ओके दैट्स गुड, सो बोथ सेवंथ ए एंड सेवंथ बी कैन लिसन टू मी। ओके सो दैट्स रियली गुड। सो स्टूडेंट्स लेट्स क्विकली डू सम स्मॉल एक्सरसाइजेस। ओके रब योर हैंड्स फास्टली एवरीवन। यस एवरीवन यस, नाउ पुट योर हैंड्स ऑन योर आईज, क्लोज योर आईज। यस नाउ रिमूव इट। यस नाउ रेज योर हैंड्स, फोल्ड अनफोल्ड, फोल्ड अनफोल्ड। यस एवरीवन फोल्ड अनफोल्ड। नाउ स्टॉप, नाउ मूव योर नेक, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। नाउ स्टॉप, नाउ टेक अ डीप ब्रीथ फॉर 5 टाइम्स। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, सेवन है ना, ग्यारह इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो यू ऑल डेड गुड, सबके पास ऑक्सीजन पहुंच गई है अच्छे अमाउंट में। नाउ यू कैन कॉन्सेंट्रेट मोर। ओके सो आई आस्क यू 3 क्वेश्चंस लास्ट टाइम, हु कैन टेल मी? यस हु कैन टेल मी? 3 क्वेश्चन आई आस्क यू टू डू। इफ यू रिमेंबर वी स्टॉप्ड एट व्हाट, फ्लो चार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड आई हैड गिवन यू 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दोज ब्लड वेसल्स। हु कैन टेल मी? यस यस सेवंथ बी थर्ड बेंच मिडल गर्ल। यस बेटा स्टैंड अप, टेल मी, कम क्लोज टू द माइक बेटा। मैम फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई आर्टरीज हैव थिक वॉल्स। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स बिकॉज ब्लड प्रेशर इन देम इज हाई एंड बिकॉज दे मस्ट एडजस्ट देयर डायमीटर टू मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड टू कंट्रोल ब्लड फ्लो। That's सेकेंड good. क्वेश्चन, व्हाई वॉल्स आर प्रेजेंट। वॉल्स आर प्रेजेंट टू डिजाइन टू कंडक्ट ब्लड एट लो प्रेशर। थर्ड क्वेश्चन, Why capillary has thin walls? The capillary has thin walls because they help in the exchange of gases and diffusion of materials into the cell. That's good. Wonderful. What's your name, beta? Navya. Navya. Everyone claps for Navya. That's really good. ओके बाकी सबने भी किया है? किस किस ने किए हैं क्वेश्चंस? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आई कैन सी, व्हाई नॉट अदर्स? बाकी सबने क्यों नहीं किया? व्हाई सर, नाम की लिस्ट क्यों नहीं किया बाकी सबने? यस स्टूडेंट्स, यू नो वाई आई आस्क यू टू डू दीज क्वेश्चन? बिकॉज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन मे कम इन योर एग्जाम ऑल्सो। ओके वट एवर आई एम टेलिंग यू टू डू, प्लीज राइट डाउन, मेक अ नोट्स, क्योंकि यही क्वेश्चन बेटा आएंगे आपके एग्जाम में, तो बी प्रिपेयर। ठीक है सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम दिस ओनली, फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। ओके एंड प्लीज टेक आउट योर असाइनमेंट, एंड टेक आउट योर असाइनमेंट। सबके पास असाइनमेंट है ना? यू ऑल हैव असाइनमेंट्स विद यू? टेक आउट योर असाइनमेंट्स नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस। बिकॉज व्हाट डू यू थिंक, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? यस
What do you think? Which one is correct option? Raise your hand. Raise your hand. Question is, oxygen can easily transport by RBCs. What is present in RBCs which help in oxygen transportation? What is present? Yes. What is present in RBCs that act as transporter? Yes, seventh B, first row, second last bench girl. Yes, second last bench girl, beta, you tell me. No. She, yes. What is present in RBCs that help in oxygen transportation? Mucus. No, beta, not mucus. Okay, who gave red color to the RBCs? Mam hemoglobin. Yes, beta, that is the answer. Okay, so hemoglobin that is present in RBCs, ठीक है, that present in RBCs help in oxygen transportation, ठीक है, but कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो ट्रेवल्स थ्रू ब्लड ओनली, बट इफ वी से देर आर थ्री फ्रेंड्स, ओके, कोई हमारे पास थ्री फ्रेंड्स हैं, एक ए है, एक बी है और सी है, ठीक है, मगर जो बी वाला है उसकी ज्यादा फ्रेंडशिप ए वाले के साथ है एज कंपेयर टू सी. सेम ऐसे ही है, ऑक्सीजन जो है उसकी ज्यादा फ्रेंडशिप किसके साथ है? हीमोग्लोबिन के साथ. कार्बन डाइऑक्साइड कैन गो अलोन ऑल्सो, मतलब प्लाज्मा में अपने आप भी जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन जो है सिर्फ हीमोग्लोबिन के साथ ही जाएगा, वो अपने फ्रेंड के साथ ही जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्यूबल इन वाटर. यस, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है. ऑक्सीजन हैज मोर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, नो, ठीक है. सी, ऑक्सीजन कैन इजली कंबाइन विद हीमोग्लोबिन देन कार्बन डाइऑक्साइड, सो यस, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. मार्क इन योर असाइनमेंट ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट का है डी. डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डेंगी फीवर, हिज ब्लड, सेवन बी. बेटा क्या आप बार बार बाहर देख रहे हो, क्लास इज गोइंग ऑन. सेकेंड क्वेश्चन, ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डेंगी फीवर, हिज ब्लड प्लेटलेट काउंट बिकम्स वेरी लो. डॉक्टर्स वर रेगुलरली मॉनिटरिंग हिम इफ देयर इज ओनली ओनली इंटरनल ब्लीडिंग. सम पीपल डाई इन डेंगी ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम इंजर्ड ब्लड वेसल. सो हमने प्लेटलेट्स का किया था. प्लेटलेट्स क्या करते हैं बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट्स, पहले तो ये बताओ. यस, सेवंथ ए, फर्स्ट बेंच गर्ल, बेटा योर हैंड इज रेज्ड. यस ब्लड हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड. यस, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, दैट्स गुड बेटा, वेल डन. सो इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है. तो इसी को हम लेते हैं, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, एवरीवन नोट डाउन. ब्लड क्लॉटिंग, दैट इज इट्स फंक्शन, ठीक है, ब्लड को वेस्ट होने से बचाता है, बहता ना रहे. नाउ कमिंग टू बी, व्हाई देयर अकर्स अनकंट्रोल्ड इंटरनल ब्लीडिंग इफ द ब्लड प्लेटलेट्स गेट्स काउंट इज प्लेटलेट्स काउंट इज वेरी लो. अगर प्लेटलेट का काउंट बहुत कम हो जाएगा तो ब्लड का लॉस क्यों होगा? अगर आप जो है आपका जो टैप है, जस्ट इमेजिन आपने टैप खोल दिया है, पानी निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, लेकिन अगर आपने बंद कर दिया तो बंद हो जाएगा, क्लोज कर दिया आपने. वैसे ही जो है, अगर जो ब्लड वेसल्स हैं जो हमने पढ़ा था उस दिन, यहां से अगर ये टूट गई है, यहां से ब्लड निकल रहा है, ठीक है, ब्लड इज कमिंग आउट ऑफ दिस टाइनी होल, ठीक है, सो व्हाट हैपन इन दैट केस, ब्लड लॉस होएगा. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ, हियर वी कैन से द रोल ऑफ प्लेटलेट, इट सील दिस गैप.
वो ब्लड वेसल में जो गैप हुआ है उसको सील कर देगा, ठीक है। सो हियर अगर ब्लड वेसल जो है सील नहीं होगी तो ब्लड लॉस होएगा। तो अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, जो क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि ब्लड प्लेटलेट काउंट कम है तो हम क्या कहेंगे, यहां पर ब्लड वेसल्स की सीलिंग नहीं हो रही, नो सीलिंग ऑफ ब्लड वेसल। राइट डाउन बेटा, नो सीलिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स सील नहीं हो रहे, ओके, दे आर ओपन। नाउ कमिंग टू सी, आर द प्लेटलेट्स न्यूक्लिएटेड और नॉट। फर्स्ट थिंग, अगर आपके पास यहां ब्लड के सेल्स में अंदर डाल दूं, ठीक है, सो दिस इज आरबीसी, ओके, दिस इज आरबीसी, दिस इज डब्ल्यूबीसी, बिग एंड कलरलेस एंड विद न्यूक्लियस ऑल्सो, हेयर न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट, ओके, विद न्यूक्लियस। डब्ल्यूबीसी हैज न्यूक्लियस व्हाइल आरबीसी डजंट हैव न्यूक्लियस, ठीक है। अब बचा हमारा प्लेटलेट्स, वेयर इज आर प्लेटलेट, प्लेटलेट्स आर बेसिकली फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स ओनली, मतलब टुकड़े हैं ये सेल के टुकड़े, पार्ट्स। प्लेटलेट्स आर बेसिकली फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स ओनली और दे आर लाइक मैश, लाइक जैसे जाली होती है ना वैसे दिखेगा, ठीक है। सो राइट डाउन हियर, नो दे आर, नो एवरीवन राइट डाउन, नो दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ सम लार्ज सेल्स, सो दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ सम लार्ज सेल्स, ठीक है। कमिंग टू डी, हाउ ब्लड प्लेटलेट्स क्लॉट ब्लड एंड सील ब्लड वेसल्स एट द टाइम ऑफ इंजरी। तो कैसे करेगा, जो गैप है उसको कैसे फिल कर रहा है, हमने यहाँ का गैप को फिल कर रहा है, कैसे कर रहा है, ब्लड वेसल से चिपक रहा है, स्टक हो रहा है, एंड देन वहां पर जो है सेल्स को या फिर वो जो है इकट्ठा होना शुरू कर रहा है, तो जिसकी वजह से सील हो जाएगा। अगर आपके पास कोई पाइप है बेटा, प्लम्बर को बुलाते हैं ना, कई बार लीकेज हो जाता है, क्या करता है वो फिक्सेट सा लगाता है, ग्लू सा लगाता है, क्ले जैसा व्हाइट सा लगाता है ना, देखा है, फिर उसके ऊपर थ्रेड ऐसे ऐसे लगा देता है, हैव यू सीन दैट। तो दिस इज हाउ दे फिक्स एंड दिस इज हाउ फिक्सिंग ऑफ आर ब्लड वेसल्स हैपन इनसाइड आर बॉडी बाय प्लेटलेट्स। कि अगर कोई चीज टूट गई है, उसमें छेद हो गया है, तो जस्ट आपके क्ले के साथ सभी ने खेला है ना, क्ले डो के साथ सभी ने खेला है। अब अगर आपके पास कोई पाइप है, मैं टूटी हुई पाइप दे दूं और उस क्ले को आप ऊपर से ऐसे सील कर दो उससे, तो क्या होगा, ठीक हो जाएगी पाइप फॉर अ टाइम बीइंग, है ना, छेद नहीं दिखेगा, जो पानी बाहर आ रहा था वो भी स्टॉप हो जाएगा। सिमिलरली प्लेटलेट भी वही काम करता है, इट डज द सेम फंक्शन, ओके, सिर्फ उसने गैप भरना है, गैप भरेगा ब्लड वेसल्स का, पाइप का, तो फिर ब्लड जो है निकलना बंद हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। सो राइट डाउन, ब्लड प्लेटलेट्स गेट एक्यूमुलेटेड, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं ओके एट द साइट ऑफ इंजरी, जहां चोट लगी है वहां पर ये इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन गेट स्टक टू इट, और उससे चिपक जाएंगे, जो मैंने आपको पहले बताया। तो दिस इज हाउ प्लेटलेट वर्क्स। लास्ट आ जाता है इसका एमसीक्यू है, द ब्लड सेल्स विच बिकम इरेगुलर एंड स्टिकी एट द साइट ऑफ इंजरी ऑफ ब्लड वेसल्स। सो बेटा इसका आंसर तो वही है जिसके बारे में हम तब से पढ़ रहे हैं, दैट इज बी, ओके, सो इट्स बी ओनली। सबका हो गया रिटन पार्ट, आई थिंक मेनी ऑफ यू आर डूइंग, ओके, डू इट फास्ट।
नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन. राजा इज सफरिंग फ्रॉम फीवर. हिज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, ओके, ब्लड टेस्ट इंडिकेट्स अ ग्रेटर नंबर ऑफ WBCs देन नॉर्मल पर्सन. व्हाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस न्यूक्लिएटेड एंड लार्जर देन आरबीसीज. WBCs आर लाइक अमीबा, इनजेस्ट जर्म्स एंड डाइजेस्ट द. अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है. गिव डिफरेंसेस बिटवीन आरबीसीज एंड WBCs. इट इज ऑलरेडी मेंशन इन योर क्वेश्चन. जो WBC के बारे में क्या लिखा है इसमें, दे आर कलरलेस. इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आरबीसीज आर कलर्ड, रेड कलर्ड. फिर है WBCs आर न्यूक्लिएटेड जबकि आरबीसीज आर इन्यूक्लिएटेड. क्वेश्चन में ही है बेटा, सेकंड लाइन में. एंड देन व्हाइट ब्लड सेल्स आर लार्जर और जबकि आरबीसीज आर स्मॉलर. ठीक है, जो ये तीन डिफरेंस है वहीं से आगे जो क्वेश्चन की सेकंड लाइन में WBC के बारे में बोला है उसका ऑपोजिट आ जाओ तो वो आरबीसीज का हो जाएगा. कमिंग टू सेकंड, हाउ WBCs एक्ट एज पुलिसमैन ऑफ आर बॉडी. पुलिसमैन क्यों क्यों हम कह रहे हैं कि वो पुलिसमैन है, क्योंकि दे आइडेंटिफाई द जर्म्स एंड किल द जर्म्स. पहचानते हैं जर्म्स को और उसको फिर मार भी देते हैं. तो इवन ये भी आपकी जो थर्ड लाइन है जहां पर अमीबा के बाद है वहां पर लिखा है इनजेस्ट जर्म्स एंड किल देम. इनजेस्ट जर्म्स एंड किल देम, उसको मार्क कर लो फॉर बी. अब सी आ जाता है डिफाइन इम्यूनिटी. हम कहते हैं ना हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वीक है, वट एवर इट इज. इम्यूनिटी मीन्स व्हाट, टू फाइट अगेंस्ट डिजीज और फाइट अगेंस्ट जर्म्स. ओके, आर कैपेबिलिटी, आर बॉडीज कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट और गिव प्रोटेक्शन अस अगेंस्ट जर्म्स. ओके, सो दैट इज इम्यूनिटी. विच ब्लड सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आर बॉडी, हु विल टेल. विच सेल प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू आर बॉडी, कौन इम्यूनिटी देगा, जो जर्म्स को पहचानेगा और उसको मारेगा. कौन मारता है और कौन पहचानता है, सब बोलो, एवरीवन स्पीक आउट. यस, कौन से सेल पहचान के जर्म्स को उनको मारते हैं. WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पुलिसमैन इवन सोल्जर ऑफ आर बॉडी. ओके. डी, द सेल शोन इन द फिगर कैन बी फाउंड इन द ब्लड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग दीज सेल्स. सो फर्स्ट है, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस. इट्स फॉल्स. यू कैन इजिली सी द न्यूक्लियस, सेंटर में जो बना हुआ है गोला और इरेगुलर शेप, दैट इज न्यूक्लियस. सो इसको तो गलत हो गया. सेकेंड, दे हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. तो इसका बेटा पहले तो ये बताओ, ये WBC है या RBCs है. ये जो सेल की फोटो बनी हुई है दो की, दीज आर RBCs और WBCs. ऐसा बना हुआ है ना. सो दीज आर RBCs और WBCs. हु हैज न्यूक्लियस, WBCs और RBCs. तो कौन से सेल हुए, विच सेल्स आर दीज. WBC, that's good. Firstly, you should know कि है क्या ये, then you can answer ना. So they help the body to fight against infection. So is this the role of WBCs or not? Yeah, that's good. Next, they help the blood to clot. Is this the role of WBCs or platelets? Platelets. They help to transport oxygen. Is this the role of WBCs or RBCs? Who transport oxygen? WBCs or RBCs? RBCs. RBCs. And what is present in RBCs that helps in transport? Hemoglobin. That's good. अब इसका बेटा आंसर ए है सिर्फ, ऑप्शन ए. कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, रवनीत एंड हर मदर हैड गोन टू द मार्केट. हर मदर ऑब्जर्व दैट रवनीत है रवनीत व्हेन मूव्स फास्ट गेट्स ब्रीदलेसनेस. शी हैज बिकम वीक एंड गेट टायर्ड इजली. हर मदर टुक हर टू द डॉक्टर. डॉक्टर टेस्टेड हिज ब्लड एंड प्रिस्क्राइब्ड आयरन टेबलेट्स. हर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इंडिकेट लो आरबीसी काउंट.
सो फर्स्ट ऑप्शन, बाय बाय विच डिजीज रवनीत इज सफरिंग फ्रॉम? हमने लास्ट लेक्चर में क्या था बेटा, अगर हमारे बॉडी में कुछ चीज कम हो जाए ब्लड में, तो उसकी वजह से हमें कोई बीमारी होती है, वो होती है जब खून की कमी, हम जिसे कहते हैं, जिसमें बेसिकली हीमोग्लोबिन कम होता है, अनीमिया। राइट डाउन, इट्स अनीमिया। स्किन पीली पड़ जाती है, ऑक्सीजन क्योंकि कम मिल रही है तो हमारा ध्यान भी नहीं लग पाता, हम सोए सोए फील करते, वी फील टायर्ड ऑलवेज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयरन इन डिजीज, इन दिस डिजीज व्हाई आयरन टेबलेट्स आर प्रिस्क्राइब? बिकॉज इट हेल्प्स इन, ओके, आयरन हेल्प्स इन फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन। हमने उस दिन हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, इट्स ए प्रोटीन जिसमें आयरन बाइंड होता है, फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन। सो दैट्स व्हाई डॉक्टर कहता है जब अनीमिया हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, आयरन ज्यादा खाओ। ठीक है, नेम द पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसीज एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। सो दैट यू ऑलरेडी नो, पिगमेंट इज, एंड व्हाट इट्स रोल, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, हाउ लो का आरबीसी काउंट कॉजेज ब्रेथलेसनेस एंड लेथार्जिनेस? क्यों हो रहा है, सांस क्यों फूल रही है ऐसे, हाँ, और टायर्ड क्यों फील कर रहे हैं अगर हीमोग्लोबिन कम है? हीमोग्लोबिन कम है तो क्या कम होगा बेटा हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम होगी तो हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी और हम जल्दी थक जाएंगे। सो इट इज बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, सारी हमारी बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, जो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा है वो नहीं हो पा रहा प्रॉपर, एनर्जी नहीं मिल पा रही सेल्स को। ठीक है, कमिंग टू ई, व्हाई आरबीसीज आर इनिकुलेटेड आर बाय कॉनकेव इन शेप? हमने लास्ट सेशन में कर लिया था, क्योंकि उसको स्मॉल ब्लड वेसल से पास होना होता है। कमिंग टू फिफ्थ, रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ ब्लड सेल्स, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स वाई जेड। तो बेटा इसका सबसे सही तरीका है जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ये मैंने आपको बना के दिया था, यही चीज शायद इसमें बनी है। यस, डब्ल्यू बी सी पहचानो, आरबीसी पहचानो और प्लेटलेट्स पहचानो कौन सा है। सो वाई इज क्या होगा, वाई बना हुआ है ऐसा, तो दिस इज प्लेटलेट्स। राइट डाउन, पहले ये लिखा करो, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पहले ये पहचानो, ये स्ट्रक्चर, ये शेप, ये डायग्राम किसका है, इट्स प्लेटलेट्स दिस इज। और ये जो बड़ा सा है विद न्यूक्लियस, दैट इज डब्ल्यू बी सी, विदाउट न्यूक्लियस आर आरबीसी। ठीक है, सो हेयर एक्स इज डब्ल्यू बी सी, जेड इज आरबीसी, वाई इज आर प्लेटलेट्स। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आ जाते हैं उन क्वेश्चंस पे जिस पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, सो लेट्स फोकस ऑन दिस। सो क्वेश्चन इज, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड वेन्स आर थिन, व्हाई? अब बेटा इसका आंसर है, अगर कोई चीज, ठीक है, अगर सपोज कर लो पानी है, घर में पानी की पाइप लगी हुई है, ठीक है, बहुत प्रेशर से पानी आ रहा है, तो आप क्या लगाओगे, मोटी पाइप लगाओगे, पतली पाइप लगाओगे, तो क्या होगा, फट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। साइकिल सबके पास है, उसमें टायर होता है, हवा भरते हो ना, हवा भरते हो ना, अब वो जो हवा आप भरते हो, ठीक है, उसकी जो पाइप है वो उतना ले सकती है, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग दैट मच एयर। अगर उसकी जगह आपके जो टायर है, साइकिल का जो टायर है, वो इतना मोटा है, उसमें आपने बहुत सारी हवा भर दी, अब एक और आपके पास साइकिल है, उसका टायर पतला है, क्या आप इक्वल हवा भरोगे, सेम हवा भरी जाएगी इसमें सेम अमाउंट की? अगर मैं कहती हूं इसमें मैं 5 लीटर हवा भर रही हूं, क्या मैं इसमें भी 5 लीटर भरूंगी, यस और नो? नो, क्यों, क्योंकि ये वाला तो फट जाएगा, है ना, अगर इतनी ज्यादा हवा मैं इसमें भी भर दूंगी, इसमें भी भर दूंगी, ये वाला तो फट जाएगा। अब सेम चीज आ जाती है हमारे पास, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है बेटा, दो तरह से करता है, एक तो बहुत प्रेशर से करता है, अब जब प्रेशर से करेगा तो हमें कैसी चाहिए, मोटी पाइप चाहिए, फटे ना, ठीक है, नहीं तो ब्लड तो इधर उधर गिरता रहेगा।
सो दैट्स व्हाई आर्टरीज, जो कि एक ब्लड वेसल का नाम है आर्टरी, तो वो क्या है, थिक वॉल्ड है, उसकी जो वॉल्स है वो थिक है. ओके, सो दिस इज आर्टरी हुज वॉल आर थिक बिकॉज ब्लड प्रेशर इज हाई. सो प्रिवेंट द रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इट इज लाइक दिस. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था व्हाई वेन्स हैव वॉल्स. पहले तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं. सो वेन्स आर थिन वॉल्ड. नाउ व्हाई वेन्स आर थिन वॉल्ड, आर्टरीज का मैंने बता दिया, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ऑफ ब्लड. नाउ वेन्स आर लाइक दिस ओनली, वेन्स आर लाइक दिस, थिन वॉल, पतली सी वॉल है. रीजन क्या है, रीजन इज दिस, द ब्लड दैट इज फ्लोइंग इन साइड दिस इज हैविंग लो प्रेशर, उसका प्रेशर ही कम है. ठीक है, जब प्रेशर ही ब्लड का कम है तो इसको थिन थिक होने की जरूरत नहीं है, इट डजंट हैव टू मेंटेन द प्रेशर. ओके, सो दैट्स व्हाई हियर प्रेशर इज हाई. बेटा इसको लिखो, आर्टरीज में जो है ब्लड का प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर, वाइल इन द वेन्स इट्स लो. ठीक है, तो इसके बेस पे बेटा आंसर क्या होगा, ए, सिक्स का ए, ब्लड फ्लोस विथ प्रेशर इन आर्टरीज, ब्लड फ्लोस विथ प्रेशर इन आर्टरीज. ओके, और वेन्स में लो प्रेशर है. अब आ जाते हैं इसी से नेक्स्ट, इसी के बारे में पूछ करते हैं. अब क्योंकि इन वेन्स प्रेशर इज लो, एंड सेकेंड थिंग इज प्रेशर इज ऑल्सो लो, एंड वन मोर थिंग, वेन्स मोस्टली जो ब्लड है वेन्स में जो आता है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है. अच्छा, अगर आप जंप करते हो, सबके पास पेन पड़ा है अभी, यू ऑल आर कैरिंग पेन, सब ऐसे अपने डेस्क पे ऐसे रखो, सामने ऐसे रखो डेस्क के ऊपर. अब इसको नीचे फेंको, अपने डेस्क पे जोर से नहीं, आराम से, फ्लोर पे नहीं गिरना, डेस्क पे गिरना, टेबल पे गिरो, सब गिर दो, छोड़ो, नीचे ही गिरा, नीचे ही जा रहा है, ऊपर तो नहीं जा रहा, नहीं गया. अब इसी पेन को थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे कैच करो, ऊपर करो और कैच करो, ऊपर करके कर लिया सबने, नीचे क्यों आया फिर से ये, आप तो ऊपर भेज रहे थे ग्रेविटी करके. अब जो वेन्स है वो ब्लड नीचे से ऊपर ला रही है, आपके पैरों में, टोज से वो हार्ट तक लेके आ रही है, ऊपर तक लेके आ रही है, इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, यस और नो, इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी और नॉट, से यस और नो, इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी और नॉट. दिस इज ह्यूमन, ओके, दिस इज ह्यूमन एंड आई एम सेइंग ब्लड जो है, वेन्स जो है, ठीक है, वेन्स आर कैरिंग ब्लड फ्रॉम हेयर टू हेयर, ऐसे ब्लड लेके आ रही है. अब ब्लड तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी. अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ. ये मेरे पास सड़क है, ठीक है, ऐसे स्लांटिंग सी. अब इसमें अगर मैंने कार नीचे से ऊपर भेजनी है, ठीक है, तो ये आराम से जाएगी, चलेगी. अब मैंने नीचे से ऊपर भेजनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा या नहीं, लगाना पड़ेगा, आई हैव टू पुश इट, इजंट इट, एंड इफ आई स्टॉप डूइंग दिस व्हाट विल हैपन, नीचे जाएगी, गिर जाएगी. अब सेम ऐसा चीज है, अगर हमारे ब्लड जो है वेन से ऊपर को जा रहा है और प्रेशर भी हम कह रहे हैं कम है उसमें, और अगर वेन्स जो है प्रेशर कम है, फिर तो वो एकदम से गिर जाएगा नीचे, ब्लड वापस चला जाएगा, वो तो ऊपर तक पहुंचेगा ही नहीं. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, इट इज नॉट हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी, व्हाई सो. अब जैसे जैसे ब्लड थोड़ा सा ऊपर जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है कि उससे नीचे वापस नहीं आना, फिर थोड़ा सा प्रेशर लगता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर एक दरवाजा बंद हो जाता है. दैट्स दोज डोर्स
और दोज लिड्स आर कॉल्ड वॉल्स। मतलब अगर ब्लड यहां तक गया, ठीक है, यहां पर एक वॉल्व है जो यहां पर इसको बंद कर देगा कि ब्लड वापस नीचे ना आए, ठीक है। फिर यहाँ थोड़ा प्रेशर लगा, ब्लड ऊपर गया, फिर यहां पर वॉल्व है, ये बंद हो जाएगा ताकि ये वाला ब्लड नीचे ना आए। गॉट इट? इज इट क्लियर? हैंड रेज करोगे? क्लियर है, रेज योर हैंड्स। अच्छा ठीक है, अब इसको मुझे कौन समझाएगा? सबको क्लियर है, सबने हैंड रेज किया। नाउ आई विल कॉल वन बाय वन, ठीक है, कि व्हाट इज द रोल ऑफ वेन वॉल्स इन वेन, ठीक है, और व्हाई यू नो वॉल्स आर प्रेजेंट इन वेन्स। सो सेवंथ बी सेकेंड बेंच गर्ल, यस बेटा आ जाइए, यू टेल मी व्हाई वॉल्स आर प्रेजेंट इन वेन्स। टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वीन्स। दैट्स रियली गुड, वंडरफुल बेटा। क्या नाम है आपका? एम गुरनीत कौर। गुरनीत कौर, शाबाश बेटा, सिट डाउन। सो यस, इट प्रिवेंट, लिखो बेटा सभी लिखो, एवरीवन, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। हु प्रिवेंट? वॉल्स, वॉल्स इन वेन्स, ठीक है। तो ये बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहे हैं ताकि जो खून है वो वापस ना चला जाए, हार्ट तक तो पहुंचे, है ना। सो सेवंथ का ऑप्शन आ जाता है ए, आर्टरीज कैरी ब्लड एट हाई प्रेशर व्हाइल वेन्स कैरी ब्लड एट लो प्रेशर रिक्वायरिंग वॉल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ये जो ऑप्शन है बेटा, इसको लिख भी लो कहीं पर स्टार करके, जहां आपकी नोटबुक है ना बेटा, ये नोटबुक मेंटेन रखनी है। ये जो क्वेश्चंस है ये ऐसे ही घुमा फिरा के आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं रीजन एंड असर्शन में, ओके, बट बिफोर दिस एक कैपिलरीज का क्वेश्चन था, है ना। आई आस्क यू कैपिलरीज क्वेश्चन ऑल्सो। इन कैपिलरीज सपोज दिस इज आर्टरी एंड हियर इट इज वेन। आर्टरीज जो है साफ खून लेके जाती है, प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है, और जो वेन्स है वो इम्प्योर ब्लड जिसमें कम ऑक्सीजन और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओके। अब ये सारा आपस में एक्सचेंज कब करते हैं? व्हेन दे एक्सचेंज दीज थिंग्स, ठीक है। नाउ प्योर ब्लड, यहां पर अगर हम कहें हमारे सेल्स प्रेजेंट है, दीज आर आर सेल्स और टिश्यूज, वी कैन से दोज नीड ऑक्सीजन, ठीक है, जिनको ऑक्सीजन चाहिए। बेटा ये ड्रॉ करो साथ साथ, स्टोरी नहीं सुननी यहां पर, ड्रॉ करना है साथ में, ठीक है, समझ के ड्रॉ करो ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप इसको याद करो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिकॉल। अब यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर आ जाती है हमारी बंचेस ऑफ कैपिलरी जो कि कहां से निकल रही है, दीज आर अराइजिंग फ्रॉम वेन्स एंड आर्टरीज ओनली, ठीक है। ये वेन्स और आर्टरीज से ही ये पतली पतली सी कैपिलरीज निकल रही है, ठीक है। सो दीज आर कैपिलरीज। अब इनमें जो है पहले ब्लड जो जा रहा है, इसमें जो ब्लड गया यहां से वो बाहर को डिफ्यूज हो गया, डिफ्यूज खुल गया, निकल गया, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, कहां गया वो? इन सेल्स, इन बॉडी सेल्स और टिश्यूज, और वहां से अब ये क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट लेके जाएगा ना, देता ही थोड़े ना रहेगा, हमारी बॉडी में वेस्ट थोड़े ना इकट्ठा होता रहेगा। अब यहां से उसने ले लिया गंदा खून, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, अब वो किसमें जा रही है, कैपिलरी से वेन्स में, तो ऐसे जो है वेन्स के पास आता है इम्प्योर ब्लड। और अब इसका यहां पर रीजन आता है क्यों ये थिन वॉल्ड है, बिकॉज इट हैज टू डिफ्यूज ब्लड,
पतली वॉल होगी तभी निकल पाएगा ना, डिफ्यूजन होएगी। अगर मोटी वॉल होगी कैसे होएगा, है ना? पतली से निकल पाएगा, मोटी से तो नहीं होगा। अगर आपके पास पतली चुन्नी है, दुपट्टा है पतला नेट वाला, उससे फूंक मारोगे हवा दूसरी साइड जाएगी। मोटा चादर लोगे जाएगी, नहीं जाएगी। सेम चीज यहां पर बेटा, ठीक है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थिन थिक, यू शुड रिलेटेड विद योर डेली लाइफ, ठीक है? कि डेली लाइफ में हम किसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू रीजन असर्शन। असर्शन, ब्लड सेल्स हैव आ न्यूक्लियस। डू यू थिंक ब्लड सेल्स हैव न्यूक्लियस? से यस और नो। सेवंथ बी, फर्स्ट बेंच, फोर्थ बॉय, या फिर जो गर्ल के साथ बैठा है, बॉय नेक्स्ट टू द गर्ल, फर्स्ट बेंच। यस बेटा, यू टेल मी रीजन असर्शन का ये वाला एट्थ क्वेश्चन। कम फॉरवर्ड। यस, फर्स्ट वन इज फॉल्स, क्योंकि आरबीसीज आर इनिकुलेटेड एंड रीजन द लैक ऑफ न्यूक्लियस इन रेड ब्लड सेल्स अलाउ देम टू कैरी मोर ऑक्सीजन। इज दिस राइट? रीजन इज राइट, रीजन इज राइट ना? यस, रीजन इज राइट, बगैर असर्शन गलत है। तो बेटा इसको डी मार्क कर लो, इट्स अ डी। सिट डाउन बेटा। नाउ कमिंग टू नाइन्थ क्वेश्चन। सेवंथ ए लास्ट बेंच बॉय, आ जाओ बेटा। हाँ आप इधर उधर जो देख रहे हो, आप ही आओ। नाइन्थ क्वेश्चन बेटा, एसर्शन इज प्लाज्मा इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। रीजन, प्लाज्मा इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। रीजन इज रॉन्ग बट एसर्शन इज राइट, एसर्शन इज राइट, ठीक है? गुड, सिट डाउन। कमिंग टू 10th क्वेश्चन, असर्शन, हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ब्लड, बाइंड्स टू ऑक्सीजन एंड रीजन, हीमोग्लोबिन हैज आयरन विच गिव्स रेड कलर टू हीमोग्लोबिन। सेवंथ बी, सेकेंड बेंच बॉय, थर्ड बॉय, सेकेंड बेंच, थर्ड बॉय। यस बेटा, 10th का क्या है आंसर? आप वहीं से बता दो, ये जो आगे माइक के पास बैठे हैं वो बता देंगे क्या बोला आपने। रीजन असर्शंस आर राइट और रॉन्ग, Assertion is true. एंड व्हाट अबाउट रीजन? Mem true. यस, सिट डाउन, गुड बेटा। सो बोथ आर ट्रू। 11th असर्शन, व्हाइट ब्लड सेल्स आर द पुलिसमैन ऑफ आर बॉडी। रीजन, व्हाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड अटैकिंग द माइक्रोब्स एंटरिंग इन आर बॉडी। सो यस, सेवंथ ए। यस बेटा, जिसका हैंड रेज है सेवंथ ए में, थर्ड बेंच, आ जाओ, थर्ड बेंच, आ जाओ बेटा। यस, मैम असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। दैट्स गुड, सिट डाउन बेटा। यस, सो वी हैव डन ब्लड वेसल्स, ठीक है? हमने ब्लड वेसल्स तक कर लिया। अब आ जाते हैं बेटा वापस, थोड़ा सा जो भी हमने पढ़ा है और उसको थोड़ा सा रिज्यूम करते हैं विद आर नेक्स्ट थिंग। तो ये था हमारा आर्टरीज, आर्टरीज से ब्लड जा रहा है, ओके, कैपिलरी से गया, फिर कैपिलरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड वेन्स में गया, और वेन्स हार्ट तक लेके जाती है। अब ये जो ब्लड का फ्लो है, स्पीड, हु इज मेंटेनिंग इन द ब्लड वेसल्स, दैट इज आर हार्ट। और दीज आर द क्वेश्चन वी ऑलरेडी डिड, है ना? ये तीन तो हमने कर लिए। सो आर हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज ब्लड फ्लो एक्टिविटीज। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट? सब बनाओ बेटा, ऐसा नहीं बनाना, मैं बताती हूँ पहले। तो ये लेफ्ट हार्ट इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स, ओके? सो लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। सबने नॉर्मल बनाओ, आई नो कि किसी को अच्छा सा आता है तो वो अच्छा बना ले, अदरवाइज इट इज लाइक दिस, ठीक है? ऐसा बनाओ सब, एवरीवन।
और इसको डिवाइड कर दो ऐसे चार हिस्सों में। अब जो आपके राइट में है दैट इज बेसिकली लेफ्ट, इट्स अ लेफ्ट पार्ट एंड इट्स राइट। ओके, लेफ्ट एंड राइट। अब जो लेफ्ट वाले, ये जो होता है बेटा ऊपर वाले जो है, ये जो ऊपर वाले हमें दिख रहे हैं, दीज टू, दीज टू आर कॉल्ड ऑरिकल्स और आट्रियम, वट एवर इट इज मेंशन इन योर बुक। सो दीज आर ऑरिकल्स, लेफ्ट एंड राइट। अब ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं, नीचे आपको ये दो दिख रहे हैं, दीज आर वेंट्रिकल्स लेफ्ट एंड राइट। सब बनाओ बेटा, ये हार्ट का स्ट्रक्चर एवरीवन नो हाउ टू मेक इट, मेक दिस। ओके, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर हार्ट का। नाउ दीज चैम्बर्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, स्पेशली राइट एंड लेफ्ट साइड। ये जो चैम्बर्स हैं बेटा, ये आपस में एक दूसरे से अलग हैं। इसमें बीच में एक लेयर है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड सेप्टम। नाउ व्हाई सेप्टम इज प्रेजेंट, क्यों सेप्टम, क्यों ये पार्टीशन है, व्हाई दिस पार्टीशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि लेफ्ट साइड में बेटा आता है प्योर ब्लड। प्योर ब्लड मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दिस राइट साइड इज फॉर इम्प्योर ब्लड। और हमारी बॉडी में प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स नहीं होता, देयर आर ब्लड, देयर आर डिफरेंट ब्लड वेसल्स फॉर द प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, एंड इवन इन हार्ट वी हैव दिस पार्टीशन दैट इज कॉल्ड सेप्टम। सो सेप्टम इज टू प्रिवेंट, राइट डाउन, सेप्टम इज टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। सेप्टम इज प्रेजेंट, सेप्टम इज प्रेजेंट टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, ठीक है, उसको होने से बचाती है। अब जब हमारा हार्ट है, इसमें ब्लड कहां पर आता है, ऊपर वालों में आता है। ब्लड जो है 4 into दिस पार्ट ऑरिकल्स में आता है, ऑरिकल्स आर द रिसीविंग पार्ट्स। और हार्ट से बाहर कौन से पार्ट से जाता है, वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल से बाहर जाता है। बाहर कहां से जा रहा है, वेंट्रिकल से, ठीक है। अब जब ब्लड इसमें आता है, ठीक है, अब जब वेंट्रिकल से बाहर जाएगा, कैसे जाएगा, हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट, क्या करता है, अपने फीस्ट को ऐसे करो, कॉन्ट्रैक्ट, क्या कर रहा है हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेटा ऐसा भी हो सकता है ना कि ब्लड ऊपर चला जाए, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कोई चीज, हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पीछे भी जाता है ना, कई बार ड्रॉपर से देखा है, कई बार ड्रॉपर को प्रेस करते हो तो वापिस भी आ जाता है। बट हमारा हार्ट बैक फ्लो नहीं चाहता, आर हार्ट डजंट नीड बैक फ्लो ऑफ ब्लड, एंड टू प्रिवेंट दिस हेयर ऑल्सो वॉल्स आर प्रेजेंट। अभी मैं आपको नाम नहीं बता रही बिकॉज इट इज टू मच फॉर यू टू अंडरस्टैंड, हेयर वॉल्स आर प्रेजेंट। एक बार ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया, वापस नहीं आएगा, वेंट्रिकल टू ऑरिकल नहीं जाएगा,
बैक फ्लो नहीं होगा, ठीक है? वापस ब्लड जब ये हार्ट ऐसे करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड पीछे नहीं जाएगा। यहां पर हमने रास्ता बंद कर दिया, हार्ट ने रास्ता बंद कर दिया है। वॉल्स आर प्रेजेंट देयर, गॉट इट? सो इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो, ठीक है? हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं पूरे, उसमें बेटा ये नोट करो डायग्राम। अब हमने एक बार ये कर लिया है, अब हम इसको एक बार फुल फ्लेज करते हैं, ठीक है? तो जो हमारे पास, स्टार्ट करते हैं लंग्स जो है, सबसे पहले लंग्स लिखो, नीचे ऐसे लिखना है लंग्स। लंग्स के पास ऑक्सीजन आती है, वो ब्लड में देता है। अब वो जो ब्लड है वो हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ब्लड देता है, ठीक है? तो कौन सी एक, सिर्फ एक वेन है जो ये काम करती है, पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन लंग से ऑक्सीजन वाला ब्लड, क्योंकि लंग के पास ऑक्सीजन वाला ब्लड ही होगा ना, बिकॉज वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड दैट ऑक्सीजन इज गोइंग इन साइड लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स इट इज गोइंग इन आर हार्ट, ठीक है? एंड देन इट इज गोइंग टू लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है? इट इज गोइंग टू लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाएगी? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये तो अभी तक हमने पढ़ लिया, ठीक है? अब लेफ्ट वेंट्रिकल से इट इज गोइंग टू ऑर्टा। अब ये क्या है? इट इज आर्टरी, ऑर्टा इज अ आर्टरी। अब ये हार्ट से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रही है? हमारी बॉडी में, क्योंकि हार्ट ने अपने पास तो रखना नहीं है, ओके? अब बॉडी में देने के बाद ऑक्सीजन कम हो जाएगी ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड अब ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि वो ब्लड जो है लेगा भी तो सही, जब बॉडी को दे रहा है तो उससे वापस कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वेस्ट ले रहा है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ओके? अब यहां पर एक वेन है जिसका नाम है वेना कावा। अब वो ब्लड जो इनप्योर ब्लड है उसको लेके आ जाएगी राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल किसको देगा? राइट वेंट्रिकल। अब लास्ट में जहां से हम शुरू हुए थे, कहां से शुरू हुए थे? लंग्स। अगेन ब्लड गोज टू लंग्स, ठीक है? थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। सो दिस इज हाउ ब्लड फ्लो, ठीक है? हार्ट से ब्लड की जर्नी हमारी स्टार्ट होती है बेटा, यहां से आपने स्टार्ट करना है लंग्स से, और लंग्स पे आगे खत्म करना है हमने, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम कहें कि इट इज द लंग दैट प्यूरिफाइज ब्लड, है ना? लंग्स करते हैं ना प्यूरिफाई, ऑक्सीजन तो वो ले रहा है। सो व्हाई हार्ट इज रिक्वायर्ड देन? व्हाई हार्ट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज लंग्स कांट पंप, लंग्स तो पंप नहीं कर सकता ना ब्लड को विद प्रेशर। इट इज आर हार्ट दैट इज पंपिंग ब्लड एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आर बॉडी, ठीक है? क्वेश्चन लिखो। इट इज द लंग्स, इट इज द लंग्स। ये सबका हो गया है? एवरीवन हैज नोटेड दिस? ये वाला हो गया बेटा सबका? इसके बाद क्वेश्चन लिखो। इट इज द लंग्स विच प्यूरिफाइज ब्लड, इट इज द लंग्स विच प्यूरिफाइज ब्लड, देन वाई हार्ट इज सो इंपॉर्टेंट? देन वाई हार्ट इज सो इंपॉर्टेंट? तो इसके ब्रैकेट में बेटा आंसर यही है, बिकॉज हार्ट कैन पंप द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। व्हाई राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड? व्हाई राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट आर सेपरेटेड?
अब आपने कहीं सुना होगा कीओ के हार्ट में छेद होता है, कहते हैं ना हार्ट में होल है, तो क्यों प्रॉब्लम हो जाती है अगर हार्ट में होल है? बिकॉज देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो कि हार्ट नहीं चाहता लेकिन वो हो रही है। ठीक है, अगर किसी को होल होगा तो क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज होल इन द सेप्टम सेपरेटिंग राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट? इसको लिखो जो मैंने अभी आंसर बोला, फिर वो आप करके रखोगे बेटा नेक्स्ट क्लास तक, और मैं रोल नंबर वाइज बुलाऊंगी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सो बी रेडी विद योर आंसर्स। What will happen if there is hole in the septum separating right and left side of heart? तो क्या होगा? मैंने आपको बता दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड विल मिक्स, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाएगी और ऑक्सीजन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Why there are walls present between chambers of heart? जो मैंने आपको बताया था चैम्बर्स के बीच में हमने ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच वॉल बनाए थे, व्हाई देयर आर वॉल्स प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट? तो अगेन बैक फ्लो ना हो व्हेन हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सो टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू ऑरिकल्स। लास्ट क्वेश्चन, इफ हार्ट बीट 75 टाइम्स इन 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर 1 हार्ट बीट? तो दिस इज योर मैथ्स क्वेश्चन बेसिकली, नंबर ऑफ हार्ट बीट कितनी है? दैट इज 75, और कितनी देर में बेटा? इन 60 सेकेंड्स। अब एक हार्ट बीट को कितना टाइम लगेगा? दैट इज 60 सेकेंड में अगर 75 हो रही है तो इसी को हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें एक का मिल जाएगा, तो वी विल गेट द आंसर दैट इज 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको एक बार फटाफट हम रिवाइज कर ले जो भी आज हमने किया है। हमने आर्टरीज किया थिक वॉल, बिकॉज हाई प्रेशर ब्लड इसमें मूव करता है इन वेन्स, लो प्रेशर ब्लड मूव्स, दैट्स व्हाई इट्स थिन वॉल, एंड टू प्रिवेंट द बैक फ्लो इट हैज वॉल्स। ठीक है, देन वी लर्न अबाउट प्योर ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आर्टरीज एंड प्योर थ्रू वेन्स, और यहाँ पर बीच में जो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स एंड दीज आर कॉल्ड कैपिलरीज। देन हार्ट, हमने ये पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर किया, अपर टू ऑरिकल लोअर टू वेंट्रिकल्स, ब्लड आता है ऑरिकल्स में जाता है वेंट्रिकल से, सेप्टम इज प्रेजेंट टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर एंड प्योर ब्लड, वॉल्स आर प्रेजेंट इन द चैम्बर्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड व्हेन हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो बेटा ये हमने पढ़ा, सबको क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? देन पूरा ब्लड कैसे हार्ट में ट्रेवल, हार्ट से बॉडी में ट्रेवल करता है? इट स्टार्ट फ्रॉम लंग्स, लंग्स कैरी प्योर ब्लड, ओके, यहां से पल्मरी वेन से ब्लड हमारे लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो आगे जाता है ऑर्टा के थ्रू बॉडी में,
अब जब वो बॉडी में हमारा ब्लड चला गया, ऑक्सीजन दे दी, तो वहां से वेस्ट लेके आएगा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ दिस ब्लड इज हैविंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस ऑक्सीजन, तो अब क्या होगा, वो ब्लड वापस हार्ट के पास आएगा ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक देने। तो वेना कावा जो वेन है, ठीक है, वो लेके आएगी राइट ऑरिकल, देन राइट वेंट्रिकल, एंड फाइनली रीचेस टू लंग्स। ठीक है, दिस इज सर्कल बेसिकली, जहां से शुरू हुआ वहीं पर वापस आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर। देन ये तो हमने क्वेश्चंस किए थे, सो दैट इज वर्क। सो नाउ इन फ्यू मिनट्स योर मैथ्स क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट, टेक अ 2 मिनट ब्रेक। ओके, बाय बेटा। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, एवरीबडी कैन हियर मी? ओके, सिट डाउन। बच्चे जो खड़े हुए हैं बैठ जाओ। रेशनल नंबर का मॉड्यूल है सबके पास? लास्ट टाइम हमने रेशनल नंबर स्टार्ट किया था। ओके, मॉड्यूल बाहर निकालो। लास्ट टाइम वी जस्ट रोट ऑल द फॉर्मूलाज एंड अबाउट द रैशनल नंबर, और मैंने आपको बताया था इट इज वेरी सिमिलर टू फ्रैक्शन। जो जो हमने फ्रैक्शन में रूल किए थे वो सेम हम रैशनल नंबर में भी अप्लाई करते हैं। ओनली थिंग इज कि इसमें अभी आप नेगेटिव साइन को भी यूज कर रहे हो, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी यूज कर रहे हो। ठीक है, आई एक्सप्लेन यू लास्ट टाइम फ्रैक्शन का चैप्टर अपने माइंड में, यू कैन कीप थिंकिंग, सोचते रहो उसके बारे में, क्योंकि फ्रैक्शंस में हमने पॉजिटिव रैशनल नंबर यूज किया था 3/7, और अभी आप यूज कर रहे हो -3/7 और 3/-7, जिसको हम -3/7 ही की तरह ही यूज करते हैं। आई टोल्ड यू, जब आपके पास एक नेगेटिव हो तो उसको मिडल में लिख लिया करो, सेंटर में लिख लिया करो। ठीक है, तो आपके पास बन जाता है -3/7 की फॉर्म में उसको यूज करो। ओके, अदरवाइज अप एंड डाउन भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको यूज करो। अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। हियर यू हैव टू, बेटा अगर ये एमसीक्यू है तो डजंट मैटर कि आपने, डजंट मीन कि आपने पेन नहीं चलाना, रफ कॉलम आपका रेडी रहना चाहिए। वहां पे आप कैलकुलेट करोगे, देन यू विल बी टेलिंग मी कि कौन सी आपके पास इसका आंसर आएगा, कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है उसे। जो भी क्वेश्चन करना है लिख के करना है। एमसीक्यू की आपको सामने, हम तो कैलकुलेशन नहीं देखते, टीचर तो नहीं देखते, क्योंकि वो एमसीक्यू है, आपने ठीक आंसर को टिक मार्क करना है, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो रफ कॉलम में आपकी होनी चाहिए हमेशा, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट -3/8 एंड
एक्स बाय -24 आर इक्विवेलेंट को अंडरलाइन करो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको जो दी हुई है, इक्विवेलेंट। ठीक है, दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, अभी हम फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे उनको, रैशनल नंबर बोलेंगे। अब आप 7th में आ गए हो, वी विल बी कॉलिंग इट रैशनल नंबर, क्योंकि उसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है। एक्स की वैल्यू निकालनी है ताकि ये इक्विलेंट है। अब इक्विलेंट का मतलब हमने खुद उनको लिखना है, वी हैव टू राइट आर ओन साइन। -3/8 इज इक्वल टू एक्स बाय -24, इक्वल का साइन हमने खुद लगाया है क्योंकि उन्होंने इक्विलेंट गिवन था, इक्विलेंट गिवन था इसलिए। ठीक है, तो अभी एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हो, इनमें फ्रैक्शन वाली सारी फॉर्मूलाज अपने माइंड में रिकॉल करो। जब दो फ्रैक्शन हमें इक्विवेलेंट दिए होते थे तो हम कैसे निकालते थे उनको? किसी को याद आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई, वेरी गुड वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए ये एरो भी ड्रॉ करोगे, एरो के लिए आपको ये ध्यान देना है कि जब आप -3 × -24 कर रहे हो तो -24 उठ के ऊपर जा रहा है ना, एक्स इंटू 8। अभी एक्स को आप स्मॉल भी लिख सकते हो, अभी इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये एक्स है और ये दूसरा मल्टीप्लीकेशन का साइन है। वैसे बेटा आपके बुक में भी अदरवाइज भी स्मॉल लेटर्स यूज होते हैं एक्स के, ठीक है, इसको आप अगर स्मॉल करना चाहते हो स्मॉल कर लो ताकि आपको डिफरेंस डिफरेंस पता चले कि मल्टीप्लीकेशन के साइन और एक्स में क्या डिफरेंस है। छोटा एक्स भी यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। तो जब हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन ड्रॉ करते हैं, ये साइन ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि -24 लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं और 8 जो है वो राइट साइड पे जा रहा है। डिनोमिनेटर आपका खत्म हो गया, ठीक है, सॉल्व करो इसको। अब 7th क्लास है, आपने सिंपल इक्वेशन सॉल्व किए हुए हैं ऑलरेडी, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? वेरी गुड, एवरीबॉडी मल्टीप्लाई इन द रफ। इंटीजर्स में भी आपने पढ़ा है -3 को -24 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और क्या आता है। सब अपना अपना पेंसिल लाएंगे, यस। हाथ खड़ा कर रहे हैं कई बच्चे, यस। बी सेक्शन जल्दी से बता दो, फर्स्ट जो बच्चा बैठा है, माइक भी आपके साथ ही होगा। यस, एक्स इज इक्वल टू 9। एक्स इज इक्वल टू 9 आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 9 आपने निकाल लिया। किस किस का आ रहा है, रेजो हैंड। वेरी गुड वेरी गुड, सेम क्वेश्चन को करने का एक और मेथड भी है, किसी ने किया है किसी और मेथड से? ओके, मैं वो भी बता रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि हम क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। दूसरा मेथड इसका ये है कि -3/8 इज इक्वल टू एक्स बाय -24। अब मैं छोटा वाला एक्स यूज कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मल्टीप्लीकेशन है या एक्स है। अब आपको ये पता चल रहा है बेटा कि 8 से 24 कैसे आया, यहां से यहां कैसे आया, इससे मल्टीप्लाई किया आपने। 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि -24 आ जाए? एट के टेबल में 24 आता है ना, सोचो। यस यस, -3, आपको पता है कि आपको जब 8 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -24। इसका मतलब हमने जब नीचे -3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 9। -3 × -3 इज +9, इंटीजर में पढ़ा था आपने, ठीक
ठीक है, ये मैंने दोनों मेथड आपको बताए हैं, तो आप जो भी आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो। ओके, इसमें आप चेक कर रहे हो कि हमने किससे मल्टीप्लाई किया अप एंड डाउन, तब भी आंसर आपका 9 आ गया, एक्स इज इक्वल टू 9 आ गया। इसमें आपने इक्विवेलेंट दिया हुआ था, तो इक्विवेलेंट के हमने प्रॉपर्टी लगा ली, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको इक्वल कर दिया और इक्वेशन की तरह उसको सॉल्व कर लिया। किन किन को ये मेथड इजी लगा, रेज योर हैंड फॉर लाइकिंग दिस मेथड। ओके गुड गुड गुड, हैंड्स डाउन। और किन को ये इजी लगा है? कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं, ये बी सेक्शन, कुछ तो बताओ, हाथ अपना नीचे करो, मुंह में पेन नहीं डालना। ओके, व्हाटएवर यू कैन डू, इट इज अप टू यू, जब रिवाइज करोगे आप, आपकी मर्जी है, जो मर्जी अप्लाई करो। कई बच्चे अभी आ रहे हैं, सी सेक्शन कंबाइन हो रहा है, सेटल डाउन फास्ट बेटा, बोर्ड से कॉपी डाउन कर लो, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। यस बेटा, कुछ पूछना है आपने? क्या? वेरी गुड वेरी गुड, जहां भी जगह मिलती क्विकली बैठ जाओ, है ना, किसी का भी टाइम नहीं वेस्ट होगा। वेरी गुड, जो बच्चे अभी अभी आए हैं मैं उनके लिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके मॉड्यूल 1 का एमसीक्यू। क्वेश्चन था हमारे पास कि -3/8 एंड x/-24 आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इसको मैं स्मॉल एक्स कर देती हूँ फिर सबको ठीक रहेगा। आपने मॉड्यूल में चेंज करना तो मॉड्यूल में भी स्मॉल एक्स कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल एक्स से आपको ये पता चल जाता है कि वो मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होती है। ओके, आई एम रिपीटिंग फॉर दोज चिल्ड्रन जो अभी अभी आए हैं। क्वेश्चन हमारे पास था कि -3/8 एंड x/-24 आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब वो दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, जैसे आप फ्रैक्शन में करते थे इक्वल का साइन बीच में लगाते थे, वैसे सेम आपने रैशनल नंबर के बीच में भी इक्वल का साइन लगा दिया, ठीक है। आपको पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका आपस में इक्वल होने चाहिए। ओके, यहां से हमने एरो को इस डायरेक्शन में किया, ड्रॉ किया है, इसका मतलब -24 इज मल्टीप्लाइंग बाय -3 एंड 8 इज मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन द राइट साइड। जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपका डिनोमिनेटर खत्म हो गया, सिंपल आपके पास टर्म बन गई -3 × -24, उधर बन गया 8x। इक्वेशन की फॉर्म में जब हमने कैलकुलेट किया तो एक्स इज इक्वल टू 9 आ गया। ये चीज आपको करनी आती है, राइट। और दूसरा मेथड मैंने बताया था कि अगर आपको ओरली देखना है कि 8 से -24 कैसे बना, 8 के टेबल में 24 कहाँ आता है, 3 से मल्टीप्लाई करने पे, आपको पता है, तो हमने 8 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -24 आ गया, इसीलिए हमने नीचे जो -3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है। यू नो, ऐसा नहीं होता कि ऊपर किसी और से कर दिया नीचे किसी और से। ये फ्रैक्शन में भी आपने ये चीज की थी कि अगर हमने नीचे किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी सेम नंबर से करेंगे। ऊपर हमारे पास आ गया -3 × -3, 9 आ गया। हेयर ऑल्सो आंसर वॉज 9, हेयर ऑल्सो आंसर वॉज 9। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे कर सकते हो। ओके, अभी एग्जाम में डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज याद आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली याद आए तो इस मेथड से कर लो, अगर आपको लगे कि नहीं हमने वो चीज देखी थी कि किससे मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आता है तो वो मेथड भी कर सकते हो, राइट। सेकंड क्वेश्चन कॉपी डाउन कर लिया सबने, जो न्यू बच्चे आए थे यहाँ पे अभी जो बैठे हैं सी सेक्शन के बेटा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ध्यान से देखो, सारे आंसर्स आपको दिए हुए हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, केयरफुली उनको देखो और
ऑब्जर्व करो कि कौन सा ट्रू है। आपको अपना रफ कॉलम यूज करना है इसके लिए, यूज योर रफ कॉलम। क्वेश्चन नंबर टू, देखने से नहीं पता चलेगा, क्विकली अपने रफ कॉलम में मल्टीप्लाई करके देखते जाओ। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट 3/-8 इज ग्रेटर देन -12/32, कैसे पता चलेगा कि ये है कि नहीं, ग्रेटर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा ट्रू और फॉल्स, कैसे पता चलेगा। हम क्विकली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्विकली इनको रफ कॉलम में आपके पास हो जाना चाहिए कि फटाफट से इनको चेक कर लो। और आपको ओरली भी कर सकते कि 3 से -12 कैसे बना, 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, -4 से, और नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, -4 से, तो ये आपके पास आ गया -12/32। तो ये वाला ट्रू होगा या फॉल्स होगा? Who are saying true? Raise your hand. Yes, it means this is false. किसको पता चल गया ये फॉल्स है? Raise your hand. Yes, very good, very good, very good. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी, हमने तो ट्रू बतानी थी, दिस इज फॉल्स। बी पार्ट को चेक करते हैं, 3/-8 इज इक्वल टू -12/32। हु आर सेइंग दिस इज ट्रू? रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी अभी हमने यहां से देखा, इसको हमने प्रूव किया था, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपका बी ऑप्शन आएगी इसमें। यू कैन टिक मार्क बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन रैशनल नंबर विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटेस्ट, इसको ग्रेटेस्ट कर लो, सबसे बड़ी हमने ढूंढनी है। मॉड्यूल में चेंज कर लो इसको, ग्रेटर। तो हम दो को कंपैरिजन करने के लिए बोलते हैं, अगर तीन को कंपैरिजन कर रहे हैं हम बोलेंगे इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, दैट इज ग्रेटेस्ट कौन सा है। ठीक है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में -5/11, -5/12 एंड -5/17। थोड़ा सा सिक्स क्लास का रिकॉल करो, सिक्स में आपको कोई रूल बताया होगा कि जब न्यूमिरेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं। आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में सबके न्यूमिरेटर सेम है, 5, 5, 5, और सबके साथ नेगेटिव साइन लगा है। -5/11 है, ये -5/12 है, ये -5/17 है, इन तीनों को कंपेयर करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू आस्क यू कि अगर आपके पास पॉजिटिव साइन होता तो आप क्या करते हैं? 5/12 होता, 5/17 होता। अगर मैं पॉजिटिव साइन लिखती हूँ, फिर ये आपका सिक्स क्लास वाला क्वेश्चन बन गया कि इनको कंपेयर करो। कंपेयर मतलब आप सोच लो इसको कि असेंडिंग ऑर्डर में कर दो या डिसेंडिंग में कर दो। अगर ये पॉजिटिव साइन वाला है, किसी को रूल याद आ रहा है सिक्स वाला कि न्यूमिरेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं? चलो मैं बताती हूँ, दिस इज लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, प्लीज टेक केयर। आपको दो तरह के फ्रैक्शंस आपको किए हुए हैं सिक्स में, किसी ने कुछ लिखना नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड करो इसको पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप सेवंथ में हो गए हो, थोड़ी सी न्यू चीजें भी सीखनी है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम योर सिक्स क्लास क्वेश्चन, अंडरस्टैंड फर्स्ट। इसको नोट डाउन नहीं करना, आपके पास सपोज कर लो 11/5 है, 12/5 है और 17/5 है। जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिरेटर्स में तो बहुत इजी है कंपेयर करना, आपको पता है कि 11 इज लेस देन 12 इज लेस देन 17, तो आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। ये तो सबको आता है ना कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो,
हम ऊपर वाले नंबर्स को कंपेयर करके लिख देते हैं कि ये फ्रैक्शन जो है वो 11/15 5 इज लेस देन 12/5 इज लेस देन 17/5। रेशो हाइजेसिस को ये पता है कि डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम सिर्फ न्यूमिनेटर को बड़ा और छोटा देख के हमारा काम हो जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग का। वेरी गुड, हैंड्स डाउन। अगर इसका उल्टा क्वेश्चन हो, ऐसा क्वेश्चन हो, न्यूमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इन क्वेश्चंस में जो सबसे छोटा वाला आपका नंबर होता है जैसे ये है वो सबसे बड़ा बन जाता है, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा बन जाता है। ओके, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा बन जाता है। इसका मतलब कि 5/11 इज ग्रेटेस्ट इसमें, उल्टा हो जाता है। इसका रूल मैं आपको लिखवाऊंगी, अभी कुछ मत लिखो आप, एवरीबडी लुक स्ट्रेट, रूल मैं आपको लिखवाऊंगी, अंडरस्टैंड करो। अभी 7th में अगर नहीं सीखा तो फिर आगे भी आपको बहुत मुश्किल आने वाली है। देर इज नो हरी, प्लीज रिमेंबर जब हमारे न्यूमिनेटर सेम होते हैं डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा होता है वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन सबसे बड़ा बन जाता है। तो इसके हिसाब से सबसे छोटा कौन सा होगा? 5/17। समझ आ गई? 5/17 जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, इसको हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। रूल समझ आ गए सबको? रेजो हैंड। ये रूल आपको याद रखना है, मैं अभी लिखवा भी दूंगी आपको। वेरी गुड, हैंड्स डाउन, कि अगर आपका न्यूमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर का छोटे वाला जो नंबर होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा बन जाता है। ओके, तो ये हमारा हमने यहां पे लिख लिया। बट हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे वो था माइनस वाला। जब हमारे पास नेगेटिव साइन लग जाता है, -15, -5/11, -5/12, -5/17, तो हमारा ये सारा क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके हिसाब से मैं क्या लिखूं? यहाँ पे 5/17, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, 5/12 एंड 5/11। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। यहाँ पे मैं साइन चेंज करती हूँ, नोट डाउन नहीं करना, अभी कुछ नहीं कॉपी डाउन करना, सिर्फ समझो इसको, उसकी 17 सबसे छोटा है और ये चीज हमारा आंसर बन गया पॉजिटिव के लिए। अभी मैं बात कर रही हूं, इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस देख लो आप, यहां पे 5 नीचे था तो ऐसा था आंसर, यहां पे 5 ऊपर चला गया तो उल्टा हो गया। बट जब हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाता है सबके साथ, अगर मैं नेगेटिव लगाती हूं -5/17, इसका साइन उल्टा हो जाएगा। प्लीज रिमेम्बर, जैसे ही इनके साथ नेगेटिव आ गया तो ये सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। इन दोनों को देखो, इन दोनों को सिर्फ मैं दोबारा लिखवाऊंगी क्वेश्चन, सिर्फ ऑब्जर्व करो। यहाँ पे 5/17 लेस देन 5/12 लेस देन 5/11 था, जैसे ही हमने उनके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया वो साइन जो है वो ये वाला चेंज हो गया, उल्टा हो गया। -5/17 ग्रेटर -5/12 ग्रेटर देन -5/11। ठीक है, ये चीज आपने अभी पढ़ी नहीं है क्योंकि अभी आप 7th क्लास में अभी आए हो और आपको ये चीज अब आपके लिए न्यू है। ठीक है, नाउ आई एम टेलिंग यू फ्रेशली कि अगर आपके पास 2 ग्रेटर देन 1 है तो -2 विल बी लेस देन -1। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ही हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं उसका जो साइन है क्रोकोडाइल का साइन चेंज हो जाता है बीच में। इज इट क्लियर? ये चीज समझ आ गई आपको कि नेगेटिव साइन लगाते ही हमारा साइन उल्टा हो जाता है? ठीक है, जो बड़ा था वो छोटा बन गया, छोटे वाला बड़ा बन गया। ओके, नाउ ये क्वेश्चन करने से पहले, एमसीक्यू का क्वेश्चन करने से पहले एक रूल लिखो या फिर नोट लिखो यहां पे जो आपको याद रखना है कैपिटल लेटर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी बाद में भी यूज होगी और बाकी क्वेश्चंस में भी यूज होगी। व्हेन, राइट डाउन, व्हेन न्यूमिरेटर्स न्यूमिरेटर्स
आर सेम व्हेन न्यूमिरेटर्स आर सेम वी कंपेयर ओनली डिनोमिनेटर्स. मैं अकेला डी लिख रही हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. डी का मतलब डिनोमिनेटर, एन का मतलब न्यूमिरेटर. वी कंपेयर ओनली डिनोमिनेटर. इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन दैट फ्रैक्शन बिकम्स स्मॉलर. एग्जाम्पल, जो डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो है वो छोटा बन जाता है. दिस इज अ रूल. फॉर एग्जाम्पल, 3/5 एंड 3/7. न्यूमिरेटर्स आर सेम, वी कंपेयर ओनली द डिनोमिनेटर्स. तो मैंने आपको लिखवाया है, तो डिनोमिनेटर जो बड़ा होता है वो छोटा बन जाता है. इंप्लाइज 3/7 इज स्मॉलर देन 3/5. रिमेंबर इट. सेकेंड रूल, इसको ए पार्ट कर लो. एक और रूल लिख लो. इफ 5 is less than 7 देन -5 is greater than -7. जैसे ही हमने माइनस से किया तो साइन उल्टा हो जाता है. सेम चीज हम फ्रैक्शन में अप्लाई कर रहे हैं. अभी हम नंबर के बारे में मैंने आपको रूल बताया, तो वो नंबर सबके लिए अप्लाई होता है, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे रैशनल नंबर हो, कुछ भी हो. ये रूल सबके लिए अप्लाई होता है. इसको हमेशा आपने याद रखना है, इसको नोट के फॉर्म में आपके पास हाईलाइटेड होना चाहिए. ओके, जो आपने क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना है. अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाओ. थर्ड क्वेश्चन जो हम कर रहे थे ऑलरेडी. आउट ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स विच इज ग्रेटेस्ट. पहले तो पॉजिटिव के बारे में सोच लो, फिर सोचो कि नेगेटिव साइन है तो वो क्या हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे थे. -5/11, -5/12, -5/17. नेगेटिव साइन आपको थोड़ा सा आपको सोचने में टाइम लगेगा ना, तो पहले पॉजिटिव का आंसर अपने माइंड में सोच लो कि पॉजिटिव में क्या होना चाहिए. पॉजिटिव होता तो सबसे बड़ा कौन सा होता, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होता पॉजिटिव होता तो. ए सेक्शन फर्स्ट बेंच पे, दैट कॉर्नर गर्ल. यस, बता दो बेटा खड़े होके. सबसे बड़ा कौन सा होगा इसमें? -5/11. हाँ, अगर आप माइनस नहीं बोलते, मेरे को पॉजिटिव का आंसर बताओ पहले. अगर आपके पास पॉजिटिव है, द ग्रेटर इज -5/17. यस यस, वेरी गुड वेरी गुड. थोड़ा सोच के बताना है आपने. अब यहाँ पे पॉजिटिव में आप मेरे को सबसे, अगर मैं पॉजिटिव का आंसर पूछूं आप बोलोगे 5/11 ग्रेटेस्ट है. अगर मैं नेगेटिव का आंसर पूछूंगी आप बोलोगे -5/17 ग्रेटेस्ट है, इस रूल के अकॉर्डिंगली. ठीक है, वेरी गुड. सिट डाउन. तो आपका आंसर आएगा -5/17. इसको रिवाइज भी करना बेटा, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल.
डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। सी ऑप्शन है इसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइव बाई 12, यू नो दोनों मिडल में आ रहा है, चाहे हम पॉजिटिव की बात करें चाहे नेगेटिव की बात करें, वो सेंटर में ही आ रहा है। 5 बाई 11 और 5 बाई 17 के बारे में हमने सोचना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। चलो फोर्थ क्वेश्चन। थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 बाई 5 एंड 5 बाई 6। 4 बाय 5 एंड 5 बाय 6। आपने बेटे क्या क्लास में ऑलरेडी किए हुए ऐसे वाले क्वेश्चंस रैशनल नंबर के बुक में, बुक वाले क्वेश्चंस किए? वेरी गुड, फिर तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। 4 बाय 5 एंड 5 बाय 6 के बीच के हमने थ्री रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, थ्री। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका रूल क्या होता है, रूल क्या फॉलो करते हो बीच वाले इसके रैशनल नंबर्स निकालने का? डिनोमिनेटर सेम करते हो सबका, ऐसे करते हो ना? दोनों का पहले डिनोमिनेटर सेम करोगे आप, ठीक है? डिनोमिनेटर अगर हम सेम करें, फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास है 75 डिनोमिनेटर में, लिख लो यहाँ पे रूल लिखना है तो मेक डिनोमिनेटर्स सेम, ये आप रूल फॉलो करते हो इसके लिए। डिनोमिनेटर सेम करना बहुत जरूरी है पहले, तब हम बीच में निकाल लेंगे, ठीक है? जैसे सपोज कर लो आपका एग्जांपल है 5 बाय 9 है और यहाँ पे आपके पास 8 बाय 9 है, तो आप बीच के रैशनल नंबर कौन कौन से लिख सकते हो? 6 बाय 9, 7 बाय 9, जिन दोनों के बीच के आ जाएंगे। इसलिए डिनोमिनेटर को सबसे पहले हमने सेम करना है ताकि हम बीच वाले नंबर लिख पाए। ए ऑप्शन में आपके पास है 72 बाय 75, 73 बाय 75। ये जो 75 75 नीचे लिखा हुआ है, इज इट पॉसिबल नीचे 75 बना सकते हो इनको? दोनों के नीचे 75 75 आ सकते हैं? आ ही नहीं सकता, बिकॉज 6 के टेबल में तो 75 आता ही नहीं है, ठीक है? ये ऑप्शन आपकी वैसे ही नहीं मैच करेगी। उसके बाद है आपका 30, बी ऑप्शन को देखो, उसमें नीचे आपके पास डिनोमिनेटर बनाया हुआ है 30। यस, 30 आता है दोनों के टेबल में, नीचे 30 कैसे आया? किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 5 × 6 से किया, तो इसका मतलब ऊपर भी हम 6 से करेंगे, वहां पे अपनी 6 × 5 किया नीचे, तो ऊपर भी 5 से करोगे, तो ये आपके पास आया है 24 बाय 30 एंड ये आया 25 बाय 30। इनके बीच में आप तीन रैशनल नंबर निकाल सकते हो 24 और 25 के बीच में? नहीं निकालोगे, पास पास ही है 24 और 25, इसलिए ये ऑप्शन भी मैच नहीं कर रही है, ए भी नहीं कर रही, बी भी नहीं कर रही। देन कम टू सी ऑप्शन, डिनोमिनेटर में है 3 3 3, क्या इनको डिनोमिनेटर 3 बना सकते हो? चेक करो, नहीं बना सकते। कोई ऐसा नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करो तो 3 आ जाए और 6 से डिवाइड करो तो 3 आ जाए? कोई बड़ा नंबर है ऐसा? वो भी ऑप्शन आपकी अप्लाई नहीं हो रही है। देन कम टू डी ऑप्शन, 97 बाय 120, 98 बाय 120, 99 बाय 120। यू नो तीन हमने नंबर बीच में ढूंढने हैं, तो 120 इनका डिनोमिनेटर सेम बनाओ, 120 नीचे आना चाहिए, इसमें भी इसमें भी, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे? टेल मी, सोच के बताओ जरा। नीचे हमारे पास यहाँ पे 5 था, 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया कि 120 आ गया?
डू इट क्विकली, 120 को 5 से डिवाइड करो। पेन चलना चाहिए आपका बेटा। 24, वेरी गुड। तो ऊपर भी 24 से करोगे। 6 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 120 आ गया? ट्वेंटी से, ठीक है। तो इनकी दोनों के नंबर क्या क्या आएगा? 96/120 एंड यहाँ पे क्या है आपके पास? 100/120। क्या इन दोनों दोनों के बीच में तीन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो? यस, बहुत सारा गैप है बीच में। 95/120, इसके सॉरी 97/120, 98/120 एंड 99/120। तो क्या ये ऑप्शन मैच कर रही है आपकी? सी डी ऑप्शन मैच कर रही है, 97, 98 एंड 99। ओके, तो आपकी ऑप्शन आएगी इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज -15/-11 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में सबको पता होगा कि हमारी एक नंबर लाइन जो होती है उसमें यहाँ पे 0 होता है। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास ये नंबर लाइन है। यू नो दिस इज 0। 0 के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये तो सबको पता ही है। ओके, नाउ अभी क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वाला, -15/-11। -15/-11 कहाँ पे लाई करेगा? लेफ्ट पे या राइट पे? दोनों के पास नेगेटिव है, ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव है। कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इट विल बिकम 15/11। आपने इंटीजर के चैप्टर में पढ़ा था कि ऊपर और नीचे जब नेगेटिव साइन होता है दोनों कैंसिल हो जाते हैं। नाउ इट इज पॉजिटिव, ठीक है। इट विल लाई ऑन द राइट साइड, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? फॉल्स। सबको समझ आ गया फॉल्स क्यों आया ये? रेज योर हैंड, वेरी गुड। ओके, आपको पता होना चाहिए बेटा अप एंड डाउन नेगेटिव है तो वो कैंसिल होके पॉजिटिव बन जाता है। आपको मैंने जब फर्स्ट डे रूल्स लिखवाए थे रैशनल नंबर की तो बताया था कि पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनमें न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। ओके, बी पार्ट, 1/3 एंड -3/2 लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ नंबर लाइन। केयरफुली नंबर्स को देखो, 1/3 एंड -3/2 0 के अपोजिट साइड पे लाई करेंगे। हु आर सेइंग ट्रू? रेज योर हैंड। यस यस, यू नो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाला राइट साइड पे होगा, नेगेटिव वाला लेफ्ट साइड पे होगा। तो आपकी बी ऑप्शन है ट्रू। सी पार्ट, -4/5 इज ग्रेटर देन -2/3। ट्रू या फॉल्स बताना है तो उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेट अस चेक इट। यहाँ पे आ जाएगा -4 × 3, यहाँ पे आ जाएगा -2 × 5। लेट अस चेक इट, -12 बनेगा, यहाँ पे -10 बनेगा।
चेक करो क्या ये बड़ा है उससे। ये वाला फ्रैक्शन इससे रिलेटेड है और ये वाला फ्रैक्शन इससे रिलेटेड है। फॉल फॉल फॉल्स। यस, अभी सबको पता चल रहा है क्यों फॉल्स है, क्योंकि नेगेटिव का साइन आ गया यहाँ पे। हमने पहले अभी डिस्कस किया था 12 इज ग्रेटर देन 10 बट -12 इज लेस देन -10, क्योंकि नेगेटिव का साइन आ गया और हमारा क्रोकोडाइल का साइन जो है वो उल्टा हो गया। ठीक है, दिस इज फॉल्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, द गिवन रैशनल नंबर्स आर गिवन, तीन नंबर आपको दिए हुए हैं। इफ दीज नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, चाहे हम असेंडिंग में करें चाहे डिसेंडिंग में करें, द मिडल नंबर इसमें क्या होगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मिडल नंबर ढूंढने के लिए हमें ये देखने के लिए कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा मिडल में आएगा, ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? रफ में थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। व्हाट वुड यू डू? एलसीएम। यस, एलसीएम लो इनका, डिनोमिनेटर सेम करो। स्टार्ट करो, एलसीएम लेना सबको आता है। दिस इज 1/2 -4/5 एंड -7/8। बेटे आपको एक चीज तो पता ही है इसमें, बहुत क्लियरली मैंने आपको शॉर्टकट ये बताया, ट्रिक्स थोड़े से पता होने चाहिए आपको। एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1/2 पॉजिटिव है, ये नंबर आपके पास पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो सबसे बड़ा है, ये चीज तो आपको पता चल गई। इसका मतलब जब भी हम लिस्ट बनाएंगे असेंडिंग ऑर्डर वाली, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 1/2 हमेशा हमारा यहाँ पे आएगा, इतना तो श्योर है। क्लू आपको पता चल गया। अभी हमने क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को चेक करना है। रफ कॉलम में आपको सिर्फ इन दोनों को चेक करना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ना। ये थोड़ा सा ट्रिक है करने का। कई बच्चे सिंपल एलसीएम लेंगे तीनों का, तो वो भी कर सकते हो, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होगा वो। अपनी थोड़ी कॉमन सेंस यूज करो कि पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर, नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, तो उसने तो हमेशा उधर ही आना। अब हमें सेंटर वाला नंबर ढूंढने के लिए ये देखना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है इन दोनों में से। ठीक है, क्विकली क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो रफ कॉलम में। दिस इज -32, दिस इज -35। कौन सा बड़ा है दोनों में से? -32। यस, आपको पता है ये वाला बड़ा है, तो हमारा सबसे छोटा कौन सा हुआ? -7/8, वो यहाँ पे आ जाएगा, -4/5 सेंटर में आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रही हूं उनको नोटबुक में लिखते भी जाओ, बाद में जब रिवाइज करोगे यू विल कम टू नो कि हाँ ये क्या हमने ट्रिक अप्लाई किया था इसमें। यू आर इन 7th क्लास नाउ, थोड़ी थोड़ी अपनी कॉमन सेंस भी यूज करनी है, इंटेलिजेंस भी यूज करो। ओके, तो आपका मिडिल नंबर आ रहा है सी ऑप्शन, -4/5। 7th क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप यहां पे करोगे प्लीज रिवाइज एट होम, ताकि आपको कभी नहीं भूलें। अगर इसको अभी साइड पे कर दिया ना मॉड्यूल को कि हाँ बस आज के क्वेश्चन हो गए, नो यू विल फॉरगेट इट। 7th क्वेश्चन, विच नंबर लाइन करेक्टली शोज द रैशनल नंबर दिस?
आपने रैशनल नंबर को रिप्रेजेंटेशन सीखी है क्लास में, नंबर लाइन के ऊपर, हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन? रेज योर हैंड। ओके गुड, वेरी गुड। वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है आपकी। ओके, दे आर आस्किंग कि हमारा जो रैशनल नंबर गिवन है -2/9 + 1/9। अब यहाँ पे एडिशन है तो हम रैशनल नंबर खुद ढूंढ लेते हैं। अपने आप इसको पहले रैशनल फॉर्म में करो, -2 + 1/9 इट इज इक्वल टू -1/9। इसका मतलब हमने -1/9 को देखना है कि वो नंबर लाइन पे कहाँ पे आ रहा है। ओके, चेक करो सारी ऑप्शंस आपको दी हुई हैं, सारी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। पहले तो आपकी अपनी नॉलेज अप्लाई करो कि -1/9 कहाँ आना चाहिए। यस बेटा, 7th A से आई कैन सी वन हैंड, बता दो जल्दी से -1/9 आना कहाँ चाहिए। ऑप्शंस तो हम बाद में देखेंगे। सपोज एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ठीक है, आपका सपोज मैं यहाँ पे 0 इस साइड पे लेती हूँ क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, वी आर टेकिंग ऑन दिस साइड, लेफ्ट साइड पे हमने नंबर मार्किंग करनी है। यस कौन बता रहा है मेरे को, खड़े होकर बताओ जरा, हाउ डू यू डू -1/9 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रूल क्या होता है? यस लास्ट बॉय आ जाओ, हाथ खड़े कर रहे हो, वेरी गुड। ए सेक्शन, मैम बिटवीन -1 एंड 0 वी विल डिवाइड द लाइन इन 9 पार्ट्स। वेरी गुड, आई एम डूइंग इट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 मैंने ले लिए। ओके, आपने बोला -1, तो ये लास्ट वाला जो 9 था वो हमारे पास -1 बन गया। क्यों लिया हमने -1, क्यों लिया -2, क्यों नहीं लिया? मैम बिकॉज द फ्रैक्शन इज प्रॉपर एंड एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, यस। मेरे को ये पूछना था कि ये प्रॉपर के फॉर्म में है, नेगेटिव तो चलो आ ही गया बीच में, पर ये प्रॉपर के फॉर्म में है तो वो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। वेरी गुड, अब 1/9 कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, -1/9 कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा? मैम 1 लाइन आफ्टर द 1 माइनस यस, वन ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है -1/9। अगर मैं पूछूं -7/9 वो कहां पे आएगा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, जी रिप्रेजेंट करेगा -7/9। ओके वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन, वेरी नाइसली यू एक्सप्लेन, वेरी नाइसली यू एक्सप्लेन। ठीक है, तो हमारी इसमें ए ऑप्शन आ रही है। ओके आपकी ए ऑप्शन इज करेक्ट इन द फिगर जो दी हुई है आपको। ध्यान से आप देखो, -1/9 हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है 0 और -1 के बीच में। ओके चलो, सी यू बेटा नेक्स्ट टाइम, रिवाइज दीज ऑल 7 क्वेश्चन बिकॉज वी विल मीट आफ्टर 1 वीक, तब तक आपको ये परफेक्ट पता होना चाहिए। मैं नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क यू फर्स्ट, इनमें से पहले मैं पूछूंगी फिर आगे करवाऊंगी। ओके